हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निकाली गई एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे वीडियो के सेक्शन में कि सर बताइए एग्रीकल्चर का जो टेक्निकल की निकला है वैकेंसी, उसका एग्ज़ाम कब ऑर्गेनाइज होगा। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि कौन से मंथ में हमारा पेपर होगा, और उनको कुछ पता नहीं था कि हमारे पास कितना समय बचा है। तो फ्रेंड, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हम livehindustan.com के वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो न्यूज़ में पढ़ने जा रहा हूँ वो आपको न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं इसको। फ्रेंड, ये ऑफिशियली तौर पे कोई डेट अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर जब 2 सितंबर को हमारा नलकूप चालक का परीक्षा जो आयोजित हुआ था, वो लीक होने के बाद में इसके जो इसमें शासन में ढिलवाही हुई थी और बहुत सारी एजेंसियों की जो कमी निकल के आई थी, उस पर एक मीटिंग हुई थी आज 7 तारीख के डेट को। आपको देखने को मिल रहा होगा न्यूज़, ये लेट हो गया थोड़ा फ्रेंड मुझे बताने में, मुझे आज देखने को मिला है इसलिए मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता चल गया इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट आ रहा है उनका, तो मैंने सोचा इस वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे बात चल रही थी कि कैसे ये जो पेपर लीक होता है, इन सब चीज़ों पे कैसे काम करें, और इस बार जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनको कैसे सिक्योर करें, पेपर लीक ना हो दोबारा। इन्हीं पर एक बैठक हुई थी 7 तारीख को। तो यहाँ पर हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए चंद मिनट पहले बताया जाएगा कि किस सेट का पेपर बांटा जाएगा। तो इसी मीटिंग के दौरान में ये आर्टिकल जो छपा था पेपर में, ये न्यूज भी छपा है 7 तारीख के पेपर में, आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर, इसको इस न्यूज को हिंदुस्तान के पेपर में पेज नंबर 2 पे ये आर्टिकल छपा हुआ है, वहाँ भी पढ़ सकते हैं और इसके वेबसाइट भी पढ़ सकते हैं आप इसको। सो फ्रेंड, इसी के बातचीत में उन्होंने बताया, यहाँ पर मेंशन किया गया एग्रीकल्चर एग्जाम में भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के बारे में भी बताया गया, तो उसमें एग्रीकल्चर का डेट भी अनाउंस कर दिया गया था। वहाँ पर बताया गया था कि कब परीक्षा होगी, और इसमें भी बहुत सख्ती की जाएगी ताकि पेपर लीक ना हो। सो फ्रेंड, चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल, उसके नीचे यहाँ पर बताया गया कि एग्रीकल्चर का एग्जाम कब होगा, बातों में उसका डेट भी बता दिया गया था, सीधी पालीवाल ने बता दिया था। तो पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई व्यवस्था के बाद भर्ती परीक्षाओं में होने वाली सेंधमारी पर काफी हद तक रोक लगाने की संभावना है। आयोग भर्ती परीक्षा कम से कम जिलों में कराएगा और चंद मिनट पहले बताया जाएगा कि किस सेट का पेपर बांटा जाएगा। इतना ही नहीं, आयोग के सदस्यों को परीक्षा वाले जिलों की काम सौंपी जाएगी। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे निर्णय लिया गया है अब कि ये नहीं बताया जाएगा, ये गोपनीय रखा जाएगा पेपर के। अब 2-3 सेट बनेंगे, ना कि एक सेट सिर्फ बनेंगे कि लेक होने के बाद में बच्चों का समय बर्बाद हो और परीक्षा केंद्र से वापस लौटे, इसलिए कई सेट तैयार किए जाएंगे और ये गोपनीय रखा जाएगा कि कौन सेट वहाँ पे बांटा जाएगा। ये उसी वक्त बताया जाएगा जब परीक्षा केंद्र में बच्चे उपस्थित हो गए, और एकदम एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ये बताया जाएगा कि कौन सा सेट आपको बांटना है, ताकि पेपर लीक ना हो और ये सेंधमारी लोगों को पता ना चले कि कौन सा पेपर बांटे जाएंगे, तो उनको कन्फर्म नहीं होगा उनको कि कौन सा पेपर बांटा जाएगा। तो फ्रेंड, आगे पढ़ते हैं, इतना ही नहीं, आयोग के सदस्यों की परीक्षा वाले जिलों की कमान सौंपी जाएगी। आयोग का मानना है कि इससे भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी और परीक्षा स्थगित होने की संभावना भी कम हो जाएगी। आगे है, एजेंसियों को काम देने पर नए सिरे से विचार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए कई एजेंसियों का पैनल तैयार कर रखा है, इसके आधार पर एजेंसियों को भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी जा रही है। आयोग पैनल में शामिल एजेंसियों की कार्यप्रणाली की नए सिरे से परीक्षण कराएगा और शक के आधार पर इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी एजेंसी पर भी कभी भी कोई दाग अगर लगा है तो उसे काम नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एजेंसी को काम देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह प्रिंटिंग प्रेस पर छपाई का काम देने से पहले उसकी जांच पड़ताल अनिवार्य रूप से अपने स्तर पर कराए, जिससे बाद में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। फिर है आगे, यूपी ट्रिपल एससी समूह का भर्ती परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। यहाँ पर बताया गया भविष्य की परीक्षाओं पर मंथन, यानी यहाँ पर कुछ वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर भविष्य की जो आने वाली परीक्षाओं उस पर भी कुछ बातचीत हुई थी, तो उसी में निकल के आया था कि एग्रीकल्चर का एग्जाम कम होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भविष्य की परीक्षाओं पर अभी से मंथन शुरू कर दिया है। आयोग 16 सितंबर को व्यायाम प्रशिक्षक के 42 और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के 652 पदों की भर्ती परीक्षा कराने जा रहा है। इसके बाद 14 अक्टूबर को, यानी कि आपको 16 सितंबर को आपको आयोजित होने वाला है ये व्यायाम पर्यवेक्षक और विकास दल अधिकारी का। उसके बाद में यहाँ साफ साफ आपको दिखा गया है, इसके बाद 14, यानी बस इसका ये एग्ज़ाम हो जाएगा 16 सितंबर को, उसके बाद ही जस्ट आपकी परीक्षा होगी 14 सितंबर। यहाँ पर डेट भी दिखाया गया है, 14 सितंबर को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग परिविधिक
सहायक के करीब 2000 पदों की भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष सीबी पालीवाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठक कर भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सुझाव मांगे थे। आयोग के अध्यक्ष को जो भी सुझाव मिले हैं उसे मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे बात निकल के आ गई साफ साफ 14 अक्टूबर को परीक्षा आपकी संभावित रूप से नहीं, कोई कंफर्म अभी ऑफिशियल जल्दी से जल्द यहाँ तक एकदम कंफर्म है क्योंकि ये मीटिंग में बात आई थी और मीटिंग में डेट बताया गया था, बातचीत के दौरान निकल के आई थी, तो ये ऑफिशियल डेट ही है समझ लीजिए। बस ऑफिशियल तौर पर इसका नोटिस जारी करना बाकी है किस डेट को होगी, बट ये एकदम संभावित है 14 अक्टूबर को ही होगा आपका परीक्षा। बहुत कम समय बचा है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना बचा है, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपका कंप्लीट हो गया हो सिलेबस कंप्लीट करें, जिनका सिलेबस ना कंप्लीट हो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। और हम बहुत जल्द अपने चैनल पर इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जितने भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं सभी के प्रैक्टिस सेट होंगे, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम पूरा सिलेबस का एक बार प्रीवियस पेपर वगैरह भी सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी वैकेंसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल परीक्षा की, चाहे कनिष्ठ सहायक परीक्षा की, चाहे वीडियो परीक्षा की, चाहे आने वाली नलकूप चालक की परीक्षा की, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारे उपयोगी कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे हमारे चैनल पे वीडियो के चल रहा है प्रैक्टिस सेट, और भी कई नलकूप चालक के टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह भी चला रहे हैं, और बहुत जल्द हम कृषि के भी चलाएंगे टेक्निकल क्वेश्चन, और जो भी इसके सिलेबस हैं बाकी के समान ज्ञान समान विज्ञान ये सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आप हम भी अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।